नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो गाइस, आई विल स्टार्ट शफलिंग द कार्ड्स। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तभी आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। ओके, एंड अ जनरल रीडिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। दिस रीडिंग इज फॉर एवरीबडी, सभी के लिए है जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है। लेट्स सी, सबसे पहले तो आप अपने इस कनेक्शन में ऐसा क्या है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पर। आई विल पिक 5 कार्ड्स फॉर यू। ओके, सबसे पहला कार्ड है आपका सन कार्ड। Then you have Fool card, 7 of Swords, the Empress, and 3 of Swords. Okay. Bottom of the deck, इस time की जो overall energy है वो है Knight of Pentacles की energy, यानी कि कुछ energy blockage जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों की तो बात नहीं हो रही है, ऊपर से थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है सिचुएशन में। आपकी रीडिंग में वी हैव 3 मेजर अरकानाज ऑल्सो, तो नंबर 3 बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मे बी ये मार्च का महीना हो सकता है जो आप लोगों के कनेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दिस कैन ऑल्सो बी द मंथ ऑफ जुलाई। नंबर 7 भी हमारे पास में है यहाँ पे। 19 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, ये डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आई कैन सी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनसे आपकी इस समय पर बातचीत नहीं हो रही है, ये व्यक्ति किसी को चेज कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइक बिना सोचे समझे एक्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में मुझे फैमिली का और किसी एक फीमेल पर्सन का, किसी मच्योर फीमेल पर्सन का, 30+ की एज है, 30-35+, उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो दिखाई दे रहा है। आई कैन सी कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये कुछ कुछ प्लानिंग इनके माइंड में चल रही है, या आपके माइंड में कुछ प्लानिंग चल रही है, कोई कन्वर्सेशन करने के बारे में ये सोच रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बात के बारे में डिस्कस करने के बारे में, या कोई पर्टिकुलर बात शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपके साथ में या अपने घर पर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। ऐसा हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी मैरिड व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो। आगे आने वाली सिचुएशन में किसी का हार्ट ब्रेक होने वाला है। यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग अ ब्रोकन हार्ट। ओके, अभी तक तलवारें जो है वो ऊपर लटकी हुई है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली हार्ट के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं। दैट मीन्स हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी का दिल टूटने वाला है। सो पहले से ही थोड़ा सा आपको बच के चलना है इस सिचुएशन में। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान को किसी चीज़ के बारे में पता चलने वाला है, या ये कुछ किसी खोजबीन में लगे हुए हैं, और मे बी क्योंकि ये कंबाइंड एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि आप भी किसी बात के बारे में जानना चाह रहे हो, खोजना चाह रहे हो किसी चीज़ को। अ लॉट ऑफ सर्चिंग इज गोइंग ऑन। मे बी ये पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को, क्योंकि वैसे बात नहीं हो रही है, तो मे बी सोशल मीडिया के थ्रू शायद आप एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, एंड इस स्टॉकिंग के दौरान आपको कोई चीज़ ऐसी मिल सकती है विच कैन ब्रेक योर हार्ट, या उनको कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिससे उनका उनके एहसासों को कुछ ठेस पहुँचे। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के कनेक्शन में, ना लैक ऑफ ट्रस्ट, एक तो बात नहीं हो रही है, ऊपर से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है आप लोगों के कनेक्शन में। अभी वी विल सी कि इनकी जो पर्टिकुलर एनर्जी है आपके टूवर्ड्स वो क्या है। तो बहुत तेज़ी से ये कार्ड निकल के आया है, नाइट ऑफ कॉइन्स का, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो वापस से रिपीट हुआ है। ओके,
ये पर्सन बहुत हेजिटेशन में है आगे फ्यूचर को लेकर के। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट एम्प्रेस का कार्ड देखिए, फिर से आप लोगों की रीडिंग में रिपीट हुआ है, सो मैं एम्प्रेस को एम्प्रेस के साथ में ही प्लेस करूंगी। ओके, देयर स्पेसिफिक इमोशंस फॉर यू, ये आपकी केयर करना चाहते हैं या आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं गाइस। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। ओके, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, चीज़ें जो अभी तक खुल के बाहर नहीं आई हैं, ऐसी बातें जो अभी तक यू नो जैसे एक बॉक्स के अंदर ही हैं। देन वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड, सम वन हु इज़ वेरी वेरी टायर्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा थक गया है, जैसे जिसका जीवन एकदम जंजीरों में जकड़ गया है और वो उठ नहीं पा रहा है, या आगे की जर्नी के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा है, कदम नहीं उठा पा रहा है। इवन पीछे आसमान में देखें तो ग्रहण जो है वो लगा हुआ है, तो ये समय भी ठीक नहीं है। पुराने टाइम में भी ऐसा होता था कि जब सिपाही और सब निकलते थे जर्नी इस पे जाते थे, तो रात के समय में कोई जर्नी नहीं होती थी, कोई वॉर नहीं होती थी, लोग रुक जाते थे, राइट, ब्रेक पीरियड हो जाता था उस टाइम पे। तो मुझे यहाँ पे ऐसी सी वाइब आ रही है इस कार्ड में से कि ये इंसान जो है ये समझ रहे हैं कि अभी आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी सही समय नहीं है, या परिस्थिति जो है वो अभी ना आपको फेवर कर रही है ना इनको फेवर कर रही है। और अगर एक तो बातचीत नहीं हो रही, ऊपर से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मे बी थर्ड पार्टी के हाथ में पूरी पावर ना चली जाए, इस बात से भी ये घबरा रहे हैं और ये सही समय के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने अपने मनी मन में एक तरीके से अपनी पूरी तैयारी करी हुई है, लेकिन ये किसी सच्चाई को भी फेस नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, ऐसी सिचुएशन, ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि इस टाइम पर जब आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, ये अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो इनकी एनर्जी है आपके टुवर्ड्स आज के दिन में, इस टाइम पे ओवरऑल जो एक मैसेज है वो है जजमेंट के कार्ड का, यानी कि कुछ बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन, जिंदगी बदल देने वाला कोई डिसीजन, कोई फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं। बट दे आर नॉट वेरी श्योर कि ये डिसीजन लेने के बाद में इन बॉक्सेस में से क्या निकलेगा, मतलब फ्यूचर में क्या आउटकम निकल के आएगा अगर ये इस तरीके से एक्ट करते हैं तो। ऑल्सो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है, एज इन ये इंसान शायद अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, एंड दे आर ट्राइंग सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। मे बी ये नए लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नए लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका मन जो है वो किसी के भी साथ में मैच नहीं कर रहा है, या इनकी वाइब किसी के साथ में मैच नहीं कर रही है। मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डेट अदर पीपल एज वेल, अगर ये लव रिलेशनशिप के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, और किसी के भी साथ में इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो सही नहीं बैठ पा रही है। दे आर एक्सप्लोरिंग मैनी डिफरेंट ऑप्शंस, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फाइंड पीस और सोलेस एनीवेयर। इनको जैसे दिमागी शांति और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो कहीं पे भी नहीं मिल पा रहा है। इट्स लाइक ये इंसान लाइफ में धक्के खा रहे हैं, या इमोशनली ये धक्के खा रहे हैं, और किसी भी सही से आउटकम पर ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। दे आर ट्राइंग मैनी डिफरेंट थिंग्स, मे बी यू नो बहुत कुछ नया नया ये ट्राई कर रहे हैं, मे बी इस कनेक्शन से ध्यान हटाने के लिए ये नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इनके लिए काम नहीं कर रहा है। या थोड़े टाइम तक अगर इनका माइंड डाइवर्ट होगा भी तो वो सिर्फ एक फिक्स पीरियड के लिए होगा, उसके बाद में वहाँ से भी इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ओके, वन मोर थिंग ऑन एन एनर्जेटिक लेवल, सिंस यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, आपकी बातचीत नहीं हो रही है इस व्यक्ति से, बट ये कनेक्शन अभी भी काफ़ी सारे लोगों के लिए कंटिन्यू होने वाला है। दिस इज़ लाइक एक अच्छी नॉर्मल जर्नी चल रही थी और ये इंसान अचानक से अपने रास्ते से भटक गए हैं, जैसे शैतान ने इनका जो ध्यान है वो भटका दिया है और इनको सही रास्ते से गलत रास्ते पर ले गए हैं, इनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया है।
और ये इंसान ऐसा लग रहा है अभी अपनी लाइफ में जैसे धक्के खा रहे हैं अननेसेसरीली। ये इनकी कार्मिक जर्नी होगी डेफिनेटली, इनकी आत्मा को इस जन्म में ये कष्ट भोगने होंगे जिसकी वजह से ये इस दौर से इस समय पर गुजर रहे हैं। ऐसा हो सकता है इस इंसान की जेब में पैसा हो, सब कुछ सपोर्ट हो, बहुत अच्छे लोग भी इनके आसपास में हो, बट मेंटल पीस अगर आपके पास में नहीं है, मेंटल पीस इज़ द रियल वेल्थ। अगर दिमागी खुशी, दिमागी शांति आपके पास में नहीं है, देन नथिंग एल्स मैटर्स, कुछ भी मैटर नहीं करता। यू कैन हैव अ मिलियन डॉलर, मिलियन रुपीज़ इन योर अकाउंट, इन योर पॉकेट, बट अगर आप दिमाग में खुश नहीं हो, अंदर से आपका मन खुश नहीं है, देन यू विल नॉट वैल्यू एनी थिंग, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। सो ये चीज़ मुझे इस व्यक्ति के साथ में दिखाई दे रही है कि सब कुछ है इनके पास में, दे हैव एवरी थिंग। इनका एम्प्रेस कार्ड भी दो दो बार निकल के आया है, दे आर फुल ऑफ सपोर्ट, मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी इनको मिल रही हैं। इनका रूट चक्रा जो है काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है काफ़ी लोगों के लिए। इस इंसान में कॉन्फिडेंस भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये शायद अपनी ही क्षमताओं को और अपनी ही ब्लेसिंग्स को पहचान नहीं रहे हैं और लाइफ में ये गलती कर रहे हैं कि जो आशीर्वाद या जो ब्लेसिंग्स इनको ईश्वर की तरफ से मिल रही हैं ये रिश्ते के रूप में, प्रेम के रूप में, उन सबको ये धुतकार रहे हैं और अपने मटेरियलिस्टिक नेचर की वजह से इनके जीवन में अननेसेसरी भटकना जो है इन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट कर लिया है। ये इनकी आज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। होपफुली ये एनर्जी जो है वो चेंज हो आने वाले कुछ टाइम में। एनर्जी चेक हम लोग वैसे करते रहते हैं, एंड फिलहाल के लिए गाइस इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो और अपने पर्सन की जो स्टेट है उसको आप समझ पाए हो इस टाइम पर क्या चल रही है। जाते जाते वीडियो को सिर्फ एक लाइक दे दीजिएगा, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।